हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वी नेचुरल चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सफेद दाग विटिलिगो या फिर जिसे कहा जाता है ल्यूकोडर्मा, इस बीमारी से लड़ने के लिए एक घरेलू उपचार बता रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, जो मैंने आपको पौधा बताया, आप इससे भली भांति वाकिफ होंगे। ये है अकाओ का पौधा। दोस्तों, अकाओ का पौधा जनरली सभी जगह मिल जाता है, सभी लोग इसके फायदे जानते हैं, पर सफेद दाग के लिए ये एक तरह से वरदान का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अपवाद नहीं है। सफेद दाग के जो रोगी हैं, अगर उनको ये पौधे की पत्तियां कहीं पर मिल जाती है तो उसे बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर ये पौधा मिल जाता है तो आपकी समस्या खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आप अकाओ के पौधे का सही रूप से इस्तेमाल करेंगे सफेद दाग के लिए, ल्यूकोडर्मा के लिए, विटिलिगो के लिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी खर्च के आपकी ये दवाई आपके लिए वरदान का काम करेगी। आपकी इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। तो कैसे इस्तेमाल करना है अकाओ का अपने सफ़ेद दाग के लिए, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। मगर उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी सफ़ेद दाग से लड़ने की कई सारी विधियाँ, कई सारे उपाय, कई सारी रेमेडीज़ मैंने शेयर की है, जो कि आपको लगातार आई बटन पर शो हो रही है। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं। ल्यूकोडर्मा से लड़ने के लिए, ल्यूकोडर्मा बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हैं, पर अकाओ का जो यूज़ करने की विधि है ये मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा इस बीमारी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो अकाओ का इस्तेमाल बता रही हूं सफेद दाग से लड़ने के लिए, ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। विधि पूरी सुनिएगा, उसके बाद में ही आप इसका यूज कीजिएगा। कई लोग अकाओ का उपयोग पहले से कर चुके हैं, कहते हैं कि हमें इससे फायदा नहीं मिला, अकाओ के दूध का हमने इस्तेमाल कर लिया, अकाओ का हमने हर तरह से इस्तेमाल कर लिया, पर हमें कोई फायदा नहीं मिला इस बीमारी के लिए। तो दोस्तों, अगर किसी चीज को प्रॉपरली यूज करेंगे ना, तभी रिजल्ट मिलेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो अकाओ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अकाओ के दूध का इस्तेमाल कैसे करना है, लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि अकाओ के पौधे को, डंडी को, टहनी को तोड़ के ले आते हैं और रोज उसको धीरे धीरे लगाते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको अपने सफ़ेद दाग पर अकाओ का दूध लगाना है, आप ताजी पत्ती तोड़ेंगे, ताजी टहनी तोड़ेंगे, ठीक है। ताजी पत्ती तोड़ेंगे, जैसे ही आप पत्ता उसका तोड़ेंगे, आपको उसमें से दूध निकलता हुआ दिखेगा। उस ताजे दूध को ही आपको सफ़ेद दाग पर लगाना है, ठीक है। लगाने से पहले आपको अपने सफ़ेद दाग को, जहाँ पर भी आपको हुआ है, उसे गर्म पानी से पहले अच्छे से साफ कर लें, ठीक है। गर्म पानी से अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद में आपको ये जो अकाओ का दूध है उस जगह पर आपको लगा लेना है। लगाने के बाद में आप इसे लगभग 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये लगने के बाद में सूख जाएगा, तब आपको इसको क्या करना है, हल्के हल्के आप उसे इस तरह से रब करेंगे तो आप देखेंगे वहां से मैल जैसा निकलेगा, ठीक है। वो दूध जो है वो इस तरह से आप रगड़ेंगे तब मैल जैसा निकलेगा। इस तरह से आपको उसे निकाल लेना है, पूरी तरह से उसे ऐसे रगड़ रगड़ के हटा लेना है। फिर आप उसे गर्म पानी से धो लें, ठीक है। पहला इस्तेमाल हो गया, इस तरह से आप उसका इस्तेमाल करें, उसके दूध का। जब भी आपको लगाना है तब आप ताजी पत्ती तोड़े, ताजी टहनी तोड़े, फिर उस दूध को लगाएं, तभी वो काम करेगा, बासी दूध काम नहीं करेगा। दूसरा इस्तेमाल आपको क्या करना है, आपको लेना है अकाओ की जो पत्तियां होती है, ठीक है। ये जो पत्तियां होती है, आप इन पत्तियों को ले लें, ठीक है। आपको ले लेना है 4 से 5 पत्तियां, साथ में अकाओ के जो फूल होते हैं, ठीक है। अगर आपको नीला वाला अकाओ मिला है तो नीले फूल ले लीजिए, व्हाइट वाला तो व्हाइट वाला, वैसे नीला वाला ज्यादा कारगर होता है सफेद दाग के लिए। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 पत्तियां ले लेनी है अकाओ की, साथ में इसके फूल ले लेना है 4 से 5। अब इन्हें आपको 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, ठीक है। 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें इन पत्तियों को और इन फूलों को आपको उबालना है। तब तक उबालना है जब तक ये 1 ग्लास पानी 1 कप ना रह जाए। उबल उबल कर ये पानी जब 1 कप रह जाएगा, तब आपको क्या करना है, इसको छान लेना है, रख देना है, ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें आप नींबू मिला लीजिए 1, ठीक है। 1 नींबू मिला लीजिए। अब ये जो आपको घोल मिला है, ये जो मिश्रण मिला है, इसको आपको अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग हुआ है उस जगह पर आपको इसको लगाना है।
प्रॉपरली आपने सुन लिया, 4 से 5 पत्तियां लेनी है, 4 से 5 फूल लेना है, उन्हें 1 ग्लास पानी में उबालना है। तब तक उबालना है जब तक 1 ग्लास पानी आधा कप, 1 ग्लास पानी 1 कप ना रह जाए, तब तक उबाले। उबालने के बाद में आप छान लीजिए, छानने के बाद में आप इसमें 1 नींबू मिला लीजिए और फिर ये जो मिश्रण मिलेगा उसे आप अपनी इफेक्टेड जगह पर लगाएं, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। ये जो दोनों मैंने चीज़ें बताई आप इसका इस्तेमाल रोज करें, ठीक है। अकाव का दूध भी रोज लगाएं, अकाव का ये जो मैंने आपको मिश्रण बनाया बताया इसे भी आप रोज लगाएं, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। 1 महीने के इस्तेमाल में ही आप देखेंगे आपके जो सफ़ेद दाग हैं, जो विटिलिगो है, ये हल्का होने लग जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी समय से आपको हो रखा है, तो ये हल्का होगा, और अगर आपको नया नया हुआ है, शुरू हुआ है, तो 1 ही महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर जो रिज़ल्ट मिलता है मेरे साथ में शेयर ज़रूर करें। सफ़ेद दाग से लड़ने के लिए और भी मेडिसिन मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, कई सारी होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन मैंने आपके साथ में शेयर की है, जिनको अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर लिंक लगातार शो हुए हैं ल्यूकोडर्मा से रिलेटेड, आप उन्हें ज़रूर देखें। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।